वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फाउन विद कुकिंग। आज मैं बेर का अचार बनाती हूँ। बसंत पंचमी सामने ही है और मार्केट में बेर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस टाइम। सामने सामर भी आने वाली है, तो अचार या कोई भी खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लंच या डिनर के लिए। तो चलिए बेर का अचार आज बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रेसिपी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। मैं यहाँ हाफ किलो बेर ले लिया, अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा डाल के धूप में रख दूँगी 2-3 दिन, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है ये निकल जाएगा और अचार मेरा काफ़ी दिन तक रुक जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। 5 दिन धूप सेंकने के बाद मेरा बेर का ये कंडीशन है। अब चलते हैं अचार बनाने का प्रोसीड्योर में। बेर काफ़ी नरम हो गया है धूप सेकने के बाद। इसको मैं हाथ से इस तरह से दबा के थोड़ा सा क्रैक कर दिया, जिससे इसके अंदर जो पाल्प है वो निकल आएगा और अचार बहुत ज़्यादा ठीक और टेस्टी बनेगी। कढ़ाई में मैं 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया, अचार मस्टर्ड ऑयल में अच्छी लगती है। तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, बेर को मैं डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ और इसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। बेर को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें 1 कप के आसपास में पानी डाल देती हूँ और कवर करके इसे 3-4 मिनट कुक कर लेती हूँ। 3-4 मिनट हो गया है, बेर में अच्छी तरह से उबाल आ रही है, कुछ बेर का पाल्प भी बाहर निकलना शुरू हो गया है। इस स्टेज में मैं गुड़ डाल देती हूँ, 1 कप गुड़ डालूँगी। अभी 1/2 कप डाला और ये है दूसरा 1/2 कप, तो टोटल 1 कप मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ के जगह आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हो, पर बेर का अचार गुड़ में ही अच्छा लगता है। लो फ्लेम में कवर करके इसे फिर से 2-3 मिनट पका लेती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, बेर भी अच्छी तरह से पक चुका है, गुड़ भी मेल्ट हो गया है। इस स्टेज में मैं 1/2 कप अचार मसाला डाल देती हूँ। अचार मसाला का रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अचार का मसाला मैं पहले से रेडी रखती हूँ, इसलिए अचार बनाना इजी हो जाता है। मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और अचार का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 1/4 कप वाइट विनीगर डाल दिया और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद कवर करके इसे 2-3 मिनट लो फ्लेम पे पका लूँगी और मेरा अचार बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2-3 मिनट हो गया है, अचार भी मेरा बिल्कुल बन के तैयार है। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मैं गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के बाद इसे बॉटल में निकाल के स्टोर कर लूँगी। बेर के अचार बन के बिल्कुल तैयार है। तो रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए, होममेड हेल्दी सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। न्यू व्यूअर्स के पास मेरे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।